हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ईवन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने ईवन एलिमिनेशन पूरा बेसिक डिटेल, जितना भी इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैकेनिज्म पूरा पढ़ा चुका हूँ। देख आप वहाँ उस वीडियो को, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि किस किस प्रकार जो है फैक्टर्स जो है उस एलिमिनेशन रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सट्रेट, पहला पहला जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट, ठीक है। सब्सट्रेट मतलब जिसके ऊपर हम काम करके हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको सब्सट्रेट कहा जाता है। तो सब्सट्रेट का स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन को इफेक्ट करता है, देखते हैं। ईवन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, ठीक है, एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में जो हमारा ईवन एलिमिनेशन जो है कि उसका फॉर्मेशन होता है, तो हमारा कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। इससे पहले हमने जब देखा है तो उसमें देखा है कि कार्बोकेटायन क्या होता है। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन में अगर प्लस चार्ज आता है उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। जब हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन में प्लस चार्ज आ जाता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। थस द रेट ऑफ द ईवन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, मतलब कि अतः जो रेट ऑफ ईवन रिएक्शन का जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, कि कार्बोकेटायन जो है कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन डिक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड हम यूज़ करते हैं हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो ये जो हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद ये सेकेंडरी ज़्यादा एक्टिव रिएक्टिविटी होगा, मतलब ज़्यादा इफेक्ट करेगा फर्स्ट से, ठीक है। तो प्राइमरी, ये तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक जो एल्काइल हैलाइड है, इस प्रकार से इसका जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब तीसरा का पहला ज्यादा, तीसरा जो अल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, इसका कम होगा, उसके बाद इसका कम होगा, ये अल्काइल हैलाइड। इस प्रकार जो किसी भी सब्सट्रेट जो अल्काइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। इससे पहले हमने जो है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में भी इसको डिस्कस किया था, इस टॉपिक को, जो कि उसमें भी इंपॉर्टेंट है। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट का एलिमिनेशन रिएक्शन का, आप जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आएगा। अब सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, सेकेंड जो इफेक्ट है वो है स्ट्रेंथ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द बेस। जो बेस है उसका कंसेंट्रेशन स्ट्रेंथ जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि हम जब हमने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन तो हमको पता है इसमें बेस की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी ईवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको जो है सब्सट्रेट के साथ बेस की आवश्यकता नहीं होती है प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सिंस ईवन डू नॉट यूजली रिक्वायर्ड एनी बेस, द स्ट्रेंथ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द बेस हैव नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ ईवन रिएक्शन, मतलब जो हमारा बेस यूज ही नहीं होता है, इसीलिए जो स्ट्रेंथ और कंसेंट्रेशन बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है हमारे ईवन एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब हमारा थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर जो है हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन में इफेक्ट डालता है, तो किस प्रकार से देखते हैं। द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर डोज विच आर लीस्ट बेसिक एंड मोर पोलराइजेबल, ठीक है। जो हमारे जो ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन जो हमारा लिविंग ग्रुप के रूप में यूज होता है, तो द बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, जो है लीस्ट बेसिक होंगे और मोर पोलराइजेबल होंगे, ठीक है। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी, ठीक है। तो आयोडीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरिन, ठीक है। तो ये हमारा लिविंग ग्रुप्स हैं, लिविंग ग्रुप्स के रूप में इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा जो है ये जो है हमारे ज़्यादा ये जो है ज़्यादा रिएक्टिविटी है, मतलब ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो इसका नेचर जो है हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत इफेक्ट करेगा। अगर आयोडीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जल्दी प्राप्त होगा, एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी, मतलब जो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसका ग्राफ अलग बनेगा। ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो अलग ग्राफ बनेगा, क्लोरीन फ्लोरीन अलग बनेगा, क्योंकि सबका रिएक्टिविटी जो है डिफरेंट है लिविंग ग्रुप्स का, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट भी है
डिफरेंट होगा, मतलब ये इफेक्ट करेगा। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है द रेट ऑफ द यूवर रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी इज अ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लीडिंग टू अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस माइनस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको सेपरेशन करने की प्रक्रिया को पोलैरिटी कहा जाता है। तो रेट ऑफ द यूवर रिएक्शन जो है पोलैरिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ जो है इसका रिएक्शन भी इंक्रीज होगा किसी भी सॉल्वेंट का। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट का नेचर जो है बहुत इफेक्ट करेगा। सॉल्वेंट मतलब जो घुलन सॉल्वेंट है उसमें अगर प्लस माइनस है चार्ज रहेगा तो उसका पोलैरिटी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो यही है एलिमिनेशन रिएक्शन का जो इफेक्ट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। चार मेन फैक्टर्स हैं, आपको लिखना है सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया गया है जो आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो आपके ओन जो नोट्स बनाने के लिए। और इससे पहले के वीडियोज़ को देखने के लिए आप नीचे लिंक, आपको सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक्स जो है आपको चाहिए सभी टॉपिक्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड नोट्स बनाने के लिए आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बेसिक जो जितना जो बेसिक मुझे आता है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हुआ हो ये वीडियो। अगर यूजफुल हुआ तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। और अगर आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।